सुबह आ गई हमारी ट्रेन। वेलकम टू दिल्ली गाइस। इन लोगों की बहुत ज्यादा मेहनत है, इतनी कड़क की धूप में मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक कर दो गाइस। देखो यहाँ पे ये जाए तो जाए कहाँ से। सुबह के बज रहे हैं 11, मैं आ चुका हूँ निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे। ये ब्लॉग कोई ट्रैवल ब्लॉग नहीं है, मैं अपनी मामी जी को लेने आया हूँ। मामी जी की जो ट्रेन है वो है 19325 इंदौर अमृतसर एक्सप्रेस, जो कि इंदौर से शाम को 7:45 PM पे चलती है और नेक्स्ट डे अमृतसर 9 PM पे पहुँचाती है। इंदौर से निजामुद्दीन तक ये 821 किलोमीटर। रामन का ये क्या होता है, कोई इशारे बज रहे हैं, इसका डिस्टेंस कवर करती है। और इसकी जो टिकट्स के प्राइस है वो है सेकंड सीटिंग का 245, स्लीपर का 400, थर्ड एसी का 1215, सेकंड एसी का 1740। हाँ, इस ट्रेन में आपको फर्स्ट एसी का कोच प्रोवाइड नहीं किया गया है। और सॉरी गाइस, आपको बहुत ज़्यादा शोर आ रहा होगा, फर्स्ट पब्लिक प्लेस है तो बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, बहुत हो रही है यार। मेट्रो से बाहर निकलते जो भीग गया ना पूरा, बहुत ज़्यादा भीगा। इतनी कड़क की धूप में मेहनत कर रहा हूँ, एक लाइक कर दो गाइस। इतने समझदार हो आप लोग, एक सब्सक्राइबर लाइक कर दो, फ्री है कुछ नहीं, रेड कलर का बटन दबाओ नीचे। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, बस यही है। एक प्लेटफॉर्म टिकट देना। अंकल भरतपुर की देना क्या? प्लेटफॉर्म टिकट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स भी फॉलो करना होता है। तो मैंने ऑनलाइन देखा था कि ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, बट मैंने तब भी कंफर्म किया, क्योंकि एक बार ऐसा होता मैंने देखा कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी बट वो आई 3 पे। बट इस बार इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन गलत नहीं है, ट्रेन हमारी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी और मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा हूँ। ये रहा B5, ऊपर शायद दिख रहा होगा, और यहाँ पे हमारी ट्रेन अभी आएगी। गाइस, इन लोगों की बहुत ज़्यादा मेहनत है, लोग ऐसे बोतल फेंक देते हैं और इनको फिर पटोरना पड़ता है। तो गाइस ऐसा मत कीजिए, आप डस्टबिन में डालिए, आपकी ट्रेन में डस्टबिन होगा उसमें बोतल डालिए, बट ऐसे ट्रैक पे फेंक दिए मत। आ गई हमारी ट्रेन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाइस ये बहुत ही रिस्की होता है, आप ये मत कीजिए। तो ये रहा B4 और इसके पीछे B5। मामी जी, द स्ट्रगल इज रियल गाइज। नमस्ते मामी जी, नमस्ते, वेलकम टू दिल्ली। आ जाओ यहाँ आ जाओ। तो पहले तो रेस्ट करते हैं 5-10 मिनट्स का, फिर चलेंगे। तो भारी भारी बैग है। मामी जी आपको ट्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या आपका बिहेवियर और साफ सफाई कैसी थी? बहुत सही। एसी? चलो भाई, मामी जी का रिव्यू तो हो गया, बहुत बढ़िया ट्रेन थी ये। अच्छा ठीक है।
रवि ये जा रही है अमृतसर 15 मिनट बाहर। तो बहुत सारे पंजाबी भी यहाँ खड़े थे, अब तो सब अंदर घुस गए एसी की हवा खाने, हमें तो नहीं मिली कोई बात नहीं। हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती, उसका मतलब ये होता कि इन्हें तकलीफों नाल डील करना होता। अब मेट्रो में ले लेंगे हवा। सो अभी इस दुकान से मैंने चाय और बटर स्कॉच का फ्लेवर्ड मिल्क लिया। मामी जी यहाँ पे चाय पी रही है, मैंने तो पी लिया फ्लेवर्ड मिल्क। बड़ी गर्मी है, एक तो चाय इतनी पानी पानी और वो भी बटर स्कॉच का ठंडा नहीं। ओहो, गजल नाइट में आपका स्वागत है। ये ट्रेन अभी यहीं खड़ी हुई है, 10 मिनट बाद ये अभी जाएगी मेरठ अमृतसर के लिए। तो अभी तो अपन प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 8 की तरफ जा रहे हैं कि मेट्रो उधर है, हमारा सारा ले लिया। बस आगे की तरफ हो रहा 8 और आगे एग्जिट। बड़ी भीड़ है आज भी, एकदम ट्रेन रुकी हो, बहुत सारे लोग भग भग के उतरे हैं तेजी से। स्ट्रगल इज रियल गाइस, इतनी भीड़ में देखो यहाँ पे, ये जाए तो जाए कहाँ से। मतलब भीड़ लग को ऑटो ऑटो आ रहा है, कहीं से भी ठोक के जा रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं। भाई मारो मुझे, मारो मुझे नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। अपना सब अपना चल रहे हैं, इतनी मेहनत करने के बाद फाइनली स्टेशन पे आ चुके हैं। यहाँ से NSP, ये दो बैग, अभी आने में 10 मिनट, बहुत टाइम है भाई। तो ये आ गई हमारी ट्रेन, ट्रेन को या मेट्रो, एसी मिल जाएगा बस, और कुछ नहीं चाहिए, एसी मिल गया भाई बहुत है भाई। तो देखो मेट्रो में इतनी भीड़ है, मैम जी तो यहाँ बैठ गए सामान ले रहा और मैं खड़ा ही हूँ, मेरे को सीट ही नहीं मिली यार, इतने सारे लोग हैं, खड़े रहने पड़ेगा। तो अभी तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद यहाँ पे आ चुके हैं और 2 मिनट में मेट्रो आएगी, NSP पे ठाला की मेट्रो 2 मिनट में आने वाली है। तो गाइस अब हम लोग आ चुके हैं घर और इतनी मेहनत के बाद मेट्रो चेंज करी, भारी भारी सामान उठाया, फाइनली कड़कती धूप में घर आ चुके हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना, मैं मिलूंगा आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।